सुबह की शुरुआत हो रही है। सुबह किचन से यानी कि भाभी बना रही है पोहा, और यमी यमी पोहा मुझे बहुत पसंद है। और हमारे घर में गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुपर गृहिणी में आप सभी का स्वागत है। तो आज मौसम हो रहा है बहुत अच्छा, यानी कि धूप इतनी अच्छी आ रही है। देखिए कुछ दिनों से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और इतनी धूप नहीं आ रही थी, पर आज बहुत अच्छी धूप, तो धूप के साथ साथ हवा भी चल रही है। और टाइम हो रहा है 9 बजे का, और यहाँ का व्यू देख सकते हैं कितना अच्छा हो रहा है। देखिए तो मम्मी ने कपड़े धो दिए थे सुबह, और थोड़े बहुत कपड़े मैंने धो दिए थे, उसको सुखाने आ गई हूँ मैं छत में। और मैं नहा चुकी हूँ, भाभी नहा चुकी है, और बच्चों ने कर लिया है नाश्ता। और आरू अभी अभी उठा है, वो है अपने नानू के पास। और मैंने सोचा चलिए आपको भी हेलो गुड मॉर्निंग कर देती हूँ, तब मिलूँगी मैं आपसे। अब देखती हूँ, क्योंकि आज क्लास नहीं है आरव की, और इसीलिए आज जल्दी से जल्दी काम ख़त्म हो गया है, और तब मैं आपसे जल्दी से जल्दी मिल रही हूँ। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे अब थोड़ी देर में। तो चलते हैं बच्चों के पास, बच्चों को नहलाते हैं और फिर मिलूँगी मैं आपसे, बाय बाय। तो ये हैं पापा की खेत के बूटे, यानी कि हमारा जो खेत है जो बैक पीछे साइड में है, जहाँ पे पानी भर गया था ना, वहाँ के भुट्टे हैं ये। और देखिए कितने अच्छे हैं, और ये फ्रेश भुट्टे हैं एकदम, ये देख एकदम फ्रेश भुट्टे हैं। तो आ जाइए कर लीजिए नाश्ता, नाश्ते में है पोहा यमी यमी और चाय। और आइए कितना अच्छा मौसम हो रहा है मैं दिखा देती हूँ, और इतने अच्छे अच्छे मौसम के साथ नाश्ते का कुछ और ही मज़ा होता है। तो आरू भी फ्रेश होके अब सो चुका है अच्छी अच्छी नींदी में, और मैं मिलती हूँ आपको आपको थोड़ी देर में। चलिए फिर चलते हैं कुछ काम कर लेते हैं। तो टाइम हो चुका है 10 बजे का, और सारे बच्चे हम सब फ्रेश हो चुके हैं, और आरुण आके सो चुका है। और यहाँ है हमारा हीरो, आप बताओ अपना नाम। आदि। आदि कैसे हैं आप, बोलो कैसे हैं आप, ठीक है? और आप किसके साथ खेल रहे हैं, ये कौन है, ये हॉक है। अच्छा और बताओ, अच्छा ऐसे करता है, ऐसे करता है। तो इसको और कुछ पता हो ना हो, पर ये पता है कि हॉक कैसे करता है, कैसे करता है फिर से बता दो। तो भाभी आज कर रही है अपनी अलमारी ठीक, जो कि हर दूसरे दिन, मैं बताती हूँ, हर दूसरे दिन ये अपनी अलमारी ठीक करती है, और हर दूसरे दिन फिर वही हाल हो जाता है उनके अलमारी का, क्या करें बच्चे के साथ ऐसे होता है। बरसात भी हो रही है, और यहाँ पे और वहाँ मम्मी के साथ बहुत सारा काम कर रहा है हमारा नीमो। हेलो नीमो। हेलो। काम तो ये कुछ नहीं कर रहे हैं, मम्मी का काम और बढ़ा रहे हैं, और दोनों खेल रहे हैं, दोनों भाई वो बॉल बॉल बना के खेल रहे हैं। और मैं दिखाती हूँ मम्मी कहाँ है, और चलिए फिर चलते हैं। तो ये उबाल दिया है मक्की, पानी में हल्का सा नमक डाल के इसको उबाल दिया है, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे, और उसके बाद हम खाएंगे इसको। ऐसे करके रख देती हूँ मैं, जिससे कि हल्का सा यहाँ से हवा निकलती रहे और ठंडा हो जाए, फिर एंजॉय करें। क्या पहना है एडी आपने, क्या पहना है एडी आपने आज बता दो। अच्छा क्या पहना है बताओ पहले। आरू है वहाँ, आरू आरू मैं लूंगा। क्या लेके आई है माईजू, क्या लेके आई है? यमी यमी। कौन कौन खाएगा, कौन कौन खाएगा, एडी खाएगा? हाँ। फिर ले लो, फिर जल्दी ले लो। हेलो हेलो, ये कौन है, हेलो ये कौन है, अपना काम कौन कर रहा है, हाथ चूसने का, किसके साथ सोया है ये गंदा बच्चा, किसके साथ सोया है ये गंदा बच्चा, नानी के साथ, नानी के साथ। ओ आरू अब
दो तीन बार फ्रेश हो जाता है, दो तीन बार अपने कपड़े बदल लेता है। नानी ने फिर से इसके कपड़े चेंज कर दिए हैं और अब ये नानी के साथ खेल रहा है। अभी नाटक कर रहा था सोने का और हम सुलाने लगे, लाइट बंद कर दी मैंने, पंखा थोड़ा सा वो कर दिया, चादर उड़ाई और वैसे ही नानी को देख के हंसने लग गया और अब हंस रहा है अपनी नानी के साथ है। ओ देखो ऐसे हंस रहा है, कौन हंसी हंसी कर रहा है, कौन हंसी हंसी कर रहा है, एकदम शरीर बन जाता है कैमरे को देख के। ये अभी परेशान कर रहा था शेरी, फिर बाय बाय आरू, बाय नानी, बाय करो, बाय किसी का देख। हाय गाइस, हाय गाइस, आरू है मम्मी के पास और यहाँ देखो क्या चल रहा है, देखो सब गौर से क्या देख रहे हैं। ओ और एडी वहाँ सो चुका है और देख रहे हैं मूवी। आज आ रही है सुशांत सिंह की मूवी, कौन सी मूवी आ रही है, हाँ दिल बेचारा, तो वो देख रहे हैं सब, मैं भी देखूंगी अभी। और किचन में चलते हैं, आज मेरा छोटा भाई खाना बना रहा है, देखो ये कुकिंग कर रहा है। हेलो, तो ये मेरे छोटे भाई है और ये बना रहा है चिकन। और हमारे घर में सब कुकिंग करते हैं, यानी कि बड़े भैया भी, पापा भी और छोटे भाई भी सब कुकिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो घर में भाभी है या मम्मी है वही कुकिंग करेंगे, तो सब सबकी हेल्प करते हैं। तो आज चिकन बना रहा है मनीष, मेरे छोटे भाई का नाम मनीष है और मेरे जीजू का नाम भी मनीष है। तो चिकन बना रहे हैं, ये कर दिया है चिकन को वॉश और अब बनाएंगे। और मैं, आरव और मेरे पापा, हम लोग चिकन नहीं खाते हैं, तो हम खा रहे हैं एग। हमारे लिए एग बनेगा और पापा और सबके लिए बनेगा चिकन। तो फिर एग छील के फिर मिलती हूँ मैं आपसे। खाने में है एग करी जो भाभी ने बनाई है और राइस और रोटी, यमी यमी। तो 3 बजे करीब यहाँ पे दोबारा ही बारिश स्टार्ट हो गई थी और देखिए ऐसी बारिश हो रही है और बहुत अंधेरा हो गया था इसके बाद। और मैं बच्चों के साथ जा रही हूँ हम सोने और बच्चों को सुला लेती हूँ। बज रहे हैं 7:30 और इवनिंग का टाइम हो चुका है और बन रहा है अब खाना। भाभी बना रही है हमारी क्या बोलते हैं उसे, हाँ ट्रेडिशन की एक डिश, तो मैं दिखाऊंगी वो क्या बना रही हैं। तो यहाँ पे भाभी ने आलू बॉईल कर लिया है, इसको मैं छील लूँगी और कट कर लूँगी। और ये चटनी के लिए ये तिल को भून के अच्छे से यहाँ रख दिया है, इसकी चटनी बनेगी। और आलू मैं कर लेती हूँ और फिर मैं बताऊंगी कि क्या बन रहा है आज हमारे घर में। का बना है? का बना है ये? कटोरे का। हेलो एडी, आइकम है, आइकम। आइकम नहीं है, वो खीर है। खीर है। क्या है? खीर। ये गरम गरम खीर को बोला है आकिम है, आकिम आइसक्रीम है यानी कि। और आरव यहाँ, हेलो आरव। हेलो। तो देखिए कितना अंधेरा हो गया बाहर। वैसे मैं वीडियो शूट नहीं कर रही थी रात को, पर मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत और कर लेती हूँ। आरू नूनू कर रहा है यानी कि सो रहा है, मैं दिखा देती हूँ कहाँ है आरू। आरू यहाँ सो रहा है, तो यहाँ हल्ला ज्यादा नहीं करते हैं, चलते उधर। आज संडे है तो कपिल का शो आ रहा है अभी रिपीट वाला, वो सब देख रहे हैं बैठ के, यानी कि पापा भैया और सब लोग। और 2 बच्चे यहाँ पे हैं नानी और दादी के साथ, यानी कि एडी और आरव। और मैं भाभी के साथ किचन में थी तो बन मैं आ गई हूँ थोड़ा इधर आरू को देखने के लिए। और चलिए फिर चलते हैं किचन में, आज बन रही है हमारी ट्रेडिशन की सेर रोटी बोलते हैं, यानी कि मैदे की तेल में लगा के रोटी बनती है वो, और हमारी फेवरेट यानी कि तिल की चटनी। और देखते हैं क्या क्या बनता है आज, चलिए।
दाल यहाँ पे बन गई है और राइस जो कि जीरे से तल दिया है और ये है चटनी जो भाभी ने बनाई है अभी और ये चिकन है जो सुबह बना था और आज का हीरो दो है हमारे, एक है ये कद्दू के पत्ते वाली साग है और दूसरा है ये हमारा ट्रेडिशन का सेल रोटी। तो ऑलमोस्ट खाना डन हो चुका है, बस अब भाभी बना रही है सेल रोटी यानी कि जो मैदे की रोटी बनती है वो, और जो चटनी है और जो सेल रोटी है उसकी वीडियो भाभी डालेगी अपनी चैनल में और वो शूट कर रही है तो फिर इसलिए मैं बाहर आ गई हूँ। और तब देखिएगा आप और बनाइएगा अपने घर में और खाइएगा। चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। आज बनाया है हमने वो कद्दू की लीफ होती है ना सॉफ्ट वाली, उसकी सब्जी और साग बनाई है और दाल। तो लग चुका है हमारा खाना, सेव रोटी, चटनी, साग, टमाटर की चटनी और एग करी, यम्मी यम्मी। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।